नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं, बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे साथ क्या बहुत मेरे ऐसे दुकानदार भाई हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आता होगा, क्या आपके साथ ऐसा होता है नहीं ये नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे पहले तो जैसा कि हम आपको एक शॉर्ट में दिखा दिए हैं फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए जब भी हम, अब मान लीजिए मेरे पास कोई फ़ोन आता है रिपेयरिंग के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन है, तो ज़रूरी ये नहीं है कि फोल्डर चेंज करने के लिए आया है तो इसमें सिर्फ फोल्डर ही चेंज होगा। बहुत बार फ़ोन बहुत ज़्यादा डैमेज होने की वजह से उसका मिडिल भी चेंज करना पड़ता है, और जब हम मिडिल चेंज करते हैं उसके बाद क्या प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है पता है दोस्तों? जब भी हम मिडिल चेंज करते हैं, स्पीकर डालते हैं, तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पर प्रॉब्लम ये देखने को मिलता है कि फ़ोन में जो है ना पहले का जो साउंड था, टूटा हुआ भी फ़ोन था उसमें भी अच्छा साउंड था, बट जब हम मिडिल चेंज कर दिए तो उसके बाद बहुत ज़्यादा बुरा साउंड आने लगा। बुरा साउंड का मतलब यानी अच्छा से साउंड नहीं था, बहुत ज़्यादा फटा फटा हो आवाज़ आने लगा। स्पीकर चेंज करने के बाद भी ऐसा आवाज़ होने लगता है, क्या आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो ज़रूर बताएं। बाकी दोस्तों उसका सल्यूशन क्या है आगे हम बताने वाले हैं। तो बहुत बार हम लोगों के साथ ऐसा होता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं ये मिडिल है, ठीक है, आगे हम बताएंगे, और इस मिडिल को चेंज करते हैं उसमें भी आता है। बाकी जो मेरे ऐसे भाई हैं जिनको स्पीकर का प्रॉब्लम अक्सर आता है तो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, हो सकता है यहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, क्योंकि हम भी ऑलरेडी पहले परेशान हुए थे, तब जाके देखे इसको, तब समझे, और फिर जाके आप लोगों के साथ इस वीडियो को हम शेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे जो स्पीकर में हमारा जो आवाज़ कर रहा है एक अलग तरीके का आवाज़ कर रहा है, बल्कि स्पीकर चेंज करने के बाद भी इस तरह का प्रॉब्लम आता ही है, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम क्या है दोस्तों वो समझना है आपको। देखिए हम यहाँ पे फिलहाल सीसी बोर्ड निकाल रहे हैं और दिखाते हैं अगर हम क्या गलती किए हैं। मिडिल इसका चेंज किया हुआ है, बट जब आप मिडिल को देखेंगे ना तो वो न्यू वाला है और ये जो है ओल्ड वाला है, ठीक है। तो ओल्ड वाला में देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो है, जो एक तरह का डबल टेप बोल दीजिए, वो कंटिन्यू कहाँ से लगा हुआ रहता है, कंपनी से जब भी आता है तो लगा हुआ रहता है, बहुत पतला सा है, बारीक सा है, बट स्पीकर जहाँ पे लगा हुआ होता है उसके नीचे रहता है, और हम लोग यही गलती करते हैं जिसके कारण जो है ज़्यादातर कंडीशन में जो है साउंड का प्रॉब्लम आता है। और जब साउंड का प्रॉब्लम आता है तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ये कस्टमर जो है ना 2 दिन से लौट रहा था, और जो मेरे यहाँ मेरे शॉप पे जो लड़का फोल्डर चेंज करता है तो वो भी थोड़ा सा परेशान हुआ था, बट हम भी जब गए तो यार परेशानी की बात ही नज़र आई, यार ये क्या हो रहा है, कस्टमर बार बार एक ही बात बोले जा रहा था कि भैया ये जो है मेरा टूटने के बाद भी फोन आ रहा था तो बहुत बढ़िया कम्प्लीटली तौर पर मेरा कम्प्लीट साउंड था, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, बट मेरा कहना था ऐसा कैसे हो सकता है। तत्काल भाई हम भी सोचे हो सकता है उसका स्पीकर ख़राब हो, कस्टमर झूठ बोल रहा हो, बट ऐसा हमें लगा। लेकिन फिलहाल अभी आपके सामने देख सकते हैं जो पुराना वाला जो मिडिल है जो टूटा हुआ है उसके अंदर से हम क्या किए हैं, जो एक तरह का टेप बोल दीजिए वो जो लगा हुआ था उसको निकाल कर इसमें डाले हैं, और अभी फिर इसको हम क्या करेंगे, फिटिंग करेंगे, कुछ करेंगे नहीं, आप लोगों के सामने की बात है, नॉर्मल सा उसको हम निकाले फिर सेम उसी तरह से फिटिंग कर दिए, और अभी हम इसको फिटिंग कर लेते हैं फिर जाके इसका साउंड सुनेंगे, क्या ये साउंड जो है पहले जैसा ही है या कुछ बदलाव आया है। कुछ बदलाव नहीं दोस्तों, हमें भी तत्काल इस बात से थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि यार कस्टमर तो अपने जगह पे बेस्ट सही था, और ज़्यादातर कंडीशन में जो है कस्टमर सही ही होता है, कभी कभी ऐसा नहीं कहेंगे कि हर एक टाइम हर एक कस्टमर सही होता है, लेकिन कुछ कस्टमर तो ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम एक रिपेयर करवा के दो जाता है,
बट ऐसा इस केस में जो है कस्टमर अपनी जगह सही था, हम गलत थे, क्योंकि प्रॉब्लम हम लोगों का अपना था, यहाँ पे कुछ गलती हम लोग किए थे, तो इस चीज़ को हमें बाद में एक्सेप्ट करना पड़ा, नहीं सर ये हमारा फॉल्ट था और जिसके कारण ये हुआ, बाकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही गया, थोड़ा सा परेशान नहीं हमें भी होना पड़ा, दूसरा स्पीकर डाल दिया यार सेम मॉडल का, फिर भी प्रॉब्लम सेम था, तो उसके बाद जाकर जब हम ये प्रॉब्लम ये देखे, थोड़ा सा मतलब अजीब लगा, परेशान बहुत देर होने के बाद जो है उसे हम निकाले, फिर जाके साउंड चेक किए, अभी आपके सामने हम साउंड सुनाएंगे कि क्या। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ न्यू लेकर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, अपना ख्याल रखें एंड अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें दोस्तों, बाकी यहाँ पे इस वीडियो से आप लोगों को अगर कुछ सीख मिला हो तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, यदि आप लोग मेरे फेसबुक पेज पर अभी तक नहीं गए हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके मेरे फेसबुक पेज को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं इस तरह का वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ, या तो फिर रोहित मोबाइल सर्च कर लीजिए अपने फेसबुक पेज पे मिल जाएगा।